जिसे हम चुन करके भेजते हैं वही हमारे चुना हुआ आदमी पहुंचे। लेकिन यहाँ ईवीएम की बहुत बड़ी गड़बड़ी के कारण वो नहीं पहुंच पाता और इसकी शिकायतें भी दी जाती हैं, और शिकायतें सिर्फ शब्दों में नहीं होती हैं, सबूतों के भी साथ होती हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं और चुनाव आयोग को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो इस देश के 132 करोड़ लोगों की शंका है उसको दूर करें। किसी एक पार्टी को खुश करने के लिए 132 करोड़ जनता को इस रोड पे आने के लिए मजबूर ना करें। आज किसी को खुशी की बात नहीं थी कि यहाँ जंतर मंतर पर आकर के और अपने मत के प्रति धरना प्रदर्शन करें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र कायम हो, और वो लोकतंत्र कायम तभी हो सकता है जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ईवीएम से जो चुनाव होता है, ईवीएम की बहुत सारी खामियां होती हैं, जिन खामियों को दूर भी किया जाता है और बाद में फिर वो खामियां हो जाती हैं। अगर जो चीज़ खराब हो सकती है तो वो खराब की भी जा सकती है। एक बात आती है कि किसी भी जगह पर ईवीएम की मशीन खराब हो गई, सवाल इस बात का है कि अगर ईवीएम की मशीन खराब होती है और वो खराब मशीन एक ही पक्ष में वोट डालती है तो ऐसी मशीन हमें नहीं चाहिए। हम ऐसी मशीन का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं जहां हमने वोट डाला है वो वोट हमारा ही कैंडिडेट को जाए और उसका हमारे पास प्रमाण भी हो, और वो प्रमाण सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से हो सकता है। हम इस देश के चुनाव आयोग से और इस देश की केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि वो इस पर दोबारा विचार करें और 132 करोड़ देश की जनता के हक में फैसला दें। या भारत में सिर्फ चंद लोग ही क्या राज करेंगे? क्या चुनाव आयोग चंद लोगों के राज करने के लिए ही बात है? क्या लोकतंत्र में जो आदमी अच्छा काम करने की दृष्टि से राजनीतिक दल बनाते हैं या चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं समाज की सेवा करने के लिए और वहाँ वो फेल हो जाते हैं, और वहाँ जहाँ मशीन सेटिंग होती है उस मशीन से चुन करके आदमी आसानी से पहुँच जाता है। साथियों, आप सबके लिए भी समझना होगा और इस देश की जनता बखूबी समझ रही है कि इस देश का जो मिजाज है वो चंद लोगों के हाथ में है, चंद लोगों के हक में है। हम ये चाहेंगे इस देश की सरकार से, बार बार हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ईवीएम से चुनाव बंद किया जाए। हमारा भरोसा उठ चुका है, इस देश की तमाम जनता का भरोसा उठ चुका है, और चुनाव ईवीएम से बैन कराया जाए और बैलेट पेपर से फिर से कराया जाए, जिससे कि लोकतंत्र बच सके और जो लोकतंत्र में रह रहे लोग हैं उनका विश्वास दोबारा से जीवित हो सके। मैं अपनी बात बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान।